भारतीय जनता पार्टी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने बैंक रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार के द्वारा 127 योजनाओं को चलाया जा रहा है और आम जन को सीधे तौर पर इसका फायदा मिल रहा है। उन्होंने पूर्व की बसपा, सपा और कांग्रेस की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य रमेश चंद्र गुप्ता, जिला संयोजक दीनानाथ मोदनवाल, पूर्व पार्षद राजेश जायसवाल सहित बीजेपी के तमाम नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में 4 साल हमारी सरकार को कल पूरे होने जा रहे हैं, 4 साल हो गए हैं। इन 4 साल में भारत के नाम को विश्व पटल पे अगर किसी ने ऊंचा किया 71 वर्षों में, तो पहले प्रधानमंत्री ऐसी नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नाम को विश्व पटल पर ऊंचा किया। जो हमारी थी, लोग कहते हैं हमारे विपक्षी के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम रोजगार देंगे, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मुद्रा बैंक की के द्वारा हमने 50,000 से लेकर 10 लाख तक के लोन 3 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को लोन दिए हैं देश में। तो जो व्यक्ति को 10 लाख का लोन मिला, वो व्यक्ति ने परचून की, रिटेल की, कपड़े की, पान की, जनरल स्टोर की, हलवाई की दुकान खोली, तो एक आदमी, दो आदमी को अपने यहाँ रोजगार दिया होगा। तो हमने 3 करोड़ लोगों को हमने लोन दिए मुद्रा बैंक के द्वारा, बगैर गारंटी के, बगैर किसी बैंक गारंटी के, बगैर किसी फॉर्मेलिटी के। तो हमने इसका मतलब 6 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया इन 4 साल में। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम नौकरी से ज्यादा नौकरी देना सीखें, व्यापारी को व्यापार, भारत का व्यापार इस तरीके से बढ़े कि अगल बगल के देश कहे कि भारत का जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, वो किस तरीके से पनप रहा है, नंबर एक। नंबर दो, लोग कहते थे प्रधानमंत्री जनधन योजना खोली, 36 करोड़ खाते खोले, इसका क्या लाभ है? इसका लाभ ये हुआ, जो मेरी छोटी जिसकी परचून की दुकान थी, मेरा किसान था, मेरा मजदूर था, मेरा छोटा व्यापारी था, जब उसकी बेटी की शादी होती थी और उसकी उसकी पत्नी और उसकी माँ अपनी बेटी की शादी के लिए 1-2 लाख, 4 लाख घर में इकट्ठे करके रखती थी, क्योंकि बैंकों में उनके खाते नहीं खुल पाते थे, बैंक वाले कपड़े देख के बैंकों में घुसने देते थे और किसी गरीब को बैंक में खाते खोलने की इजाजत नहीं होती थी, और लुटेरे डकैत आते थे, उनके घर को लूट के ले जाते थे और वो बेटी की शादी से ऐसा हो जाती थी, उसकी बेटी की शादी नहीं हो पाती थी, मैं देवी आपत्ता आ जाती थी, किसान को सब्सिडी देते थे, किसान को डांट पैसा पहुंचाते थे तो बिचौलिए खा जाते थे, जो कर्ज माफ करें, हमने कर्ज माफ किया पहले सरकार बनते ही, तो वो पैसा सीधा किसान के खाते में गया, बिचौली रास्ते में नहीं गए। आज को हम सब्सिडी भेजते हैं तो डांट पैसा उन 36 करोड़ खातों में पहुंच रहा है, उसका ये लाभ हुआ। मेरी माता बहनों की आंखें फूक जाती थी लकड़ी के चूल्हे में, 5 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा, 3 करोड़ 80 लाख परिवार को हमने गैस के सिलेंडर और चूल्हे फ्री में गैस में दे दिए, और इस साल हमने अब 8 करोड़ का लक्ष्य रखा है। तो समझ लीजिए 3,80,00,000 को अभी तक दे चुके हम, 3,80,00,000 को, तो एक परिवार में अगर 5 और 6 जनों का भी हिसाब लगा लीजिए तो 25 करोड़ परिवार को हम आज हम गैस के सिलेंडर चूल्हे दे दिए। जो गांव सड़क से नहीं जुड़े थे, जो गांव बिजली से नहीं जुड़े थे, जो गांव में माता बहनें और हमारे जिनके सड़क पर छत नहीं होती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने वहां घर बनवा दिए, और 2022 तक उत्तर भारत में कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जो व्यक्ति जिसको घर न मिले, जिस गांव में 2022 तक ऐसा कोई गांव नहीं रहेगा देश में जहां बिजली ना पहुंचे, 2022 तक ऐसा कोई सड़क नहीं, गांव नहीं रहेगा जहां जहां सड़क नहीं पहुंचे। कांग्रेस के जमाने में 2.5 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है। परसों 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी दिल्ली से एक 14 लाइन का एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो मेरठ और दिल्ली 3 घंटे में पहुंचते थे अब 40 मिनट में पहुंचेंगे। ये 500 दिन के अंदर इतनी बड़ी योजना हमने लागू की, आज चारों तरफ
हाईवे बन रहे हैं, चारों तरफ सड़क बन रहे हैं, तो किसकी देन है? ये मोदी जी की देन है, उनके सोच की देन है, उनके विकास की नीति की देन है, उनके विचार की देन है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कितने हमने योजनाएं की। आज मेरा छोटे से छोटा दुकानदार व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता उत्तर प्रदेश में। आज से एक साल पहले सपा और बसपा की सरकार रही, 15 वर्ष सपा और बसपा ने उत्तर प्रदेश में मेरे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को लूटा। मैं तो कहता हूँ जंगल राज का कानून होता होगा, उस कानून की धज्जियां सपा बसपा के शासन ने तोड़ी है। लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जनता से पलायन कर गए। बसपा की सरकार में 5,827, ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा अभी डाल के डाल लीजिए उसमें निकल आए। और अब एक साल की सरकार में आपने देखा फरवरी के अंदर हमने व्यापारी मीटिंग की, कितने 4,28,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव पास हुआ। टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी जैसे उद्योगपति खुद गिरफ्तारी देने के लिए स्वप्नों पता उनको है कि उनको यमराज के पास जाना पड़ जाएगा अगर जमानत लेने के लिए तैयार नहीं। तो आज दिया जो हमारे यशस्वी हमारे कर्म को मानने वाले उत्तर प्रदेश को विकास की गति देने वाले और इस पे चिंतन किया है। और मैं समझता हूँ पेट्रोल डीजल पर हमारी सरल नीति बनने वाली है और पेट्रोल डीजल के दाम मैं समझता हूँ बहुत जल्दी कुछ लोगों को सरल नीति बनेगी और इसमें जनता को राहत मिलेगी। राजेंद्र जी ने 4 दिन पहले खुद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि इसके द्वारा बातचीत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम होंगे क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का कारण है, पहले सरकार का टैक्स लेती थी तो टैक्स वो पैसा उनकी जेबों में जाता था, उनकी वो बढ़ती थी। अब हम टैक्स लेते हैं तो सड़कें बन रही हैं, टैक्स लेने में जरूरी, सड़कें कैसी बन रही हैं? आज पूरे देश में सड़कों का जाल है तो क्यों विकास हो रहा है? तो पैसा चाहिए ना भैया। कि आपने कहा कि राम लक्ष्मण की जोड़ी इकट्ठा हो गई है और रावण, एक मिनट यार मैं सवाल कर रहा हूँ मेरे भाई, राम और रावण लक्ष्मण की जोड़ी इकट्ठा हो गई या रावणी सेना को मारेंगे तो क्या विभीषण के रूप में आपको लगता है कि नरेश अग्रवाल की प्राप्ति भाजपा को हो गई है? मैं नरेश अग्रवाल जी के विषय में कुछ कहने से नहीं चाहता, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी बताएं। पहला व्यक्ति मैं ही था, आपने उस पर जब मैंने जब उन्होंने भगवान राम पर कुछ कहा था, जी जी बताए था, तो मेरठ से मुकदमा मैंने किया था। नरेश अग्रवाल पार्टी में आए हैं, पार्टी ने लिया है और जो पार्टी में देखे क्या होता है, जो जब दूसरे जब आदमी देख लेता है दूसरे घरों में कुछ नहीं रहा, जब जहाज में वो लग जाती है तो चूहे मतलब सब लोग बाहर निकल जाते हैं तो मतलब आते हैं। तो इस तरीके से जो पार्टी है, जब हमारी पार्टी मौजूद हो रही है लोग आ रहे हैं तो बिना विभीषण के रावण को कैसे मारेंगे? विभीषण का आप समझिए, विभीषण उनके बीच का ही निकलेगा, विभीषण जो निकलेगा विभीषण नहीं है ये, जो राम ये कलयुग है, ये सतयुग और त्रेता युग नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग में 125 करोड़ देवतुल्य जनता समझती है कि कौन रावण है और कौन राम है और कौन विभीषण है और कौन जयचंद है। मैं जयचंद की बात भी कर रहा हूँ, ये जनता 2019 में देवतुल्य जनता उसका जवाब दे देगी। 4 साल का हमारा हिसाब मांगते हैं ये 4 साल का, तो हम हर साल हिसाब देते हैं ना, तो रावण हम हर साल हिसाब देते हैं, कोई सरकार हुई जिन्हें हिसाब दिया नहीं। रावण किसको मानते हैं, अखिलेश को और सुप्रनखा किसको मानते हैं? मैंने कहा एक अली बाबा 40 चोर की बारात चल रही है और मेरे में सुप्रनखा का फैसला तो कैराना कर देगी। मैं नहीं कहूँगा कि कौन है, हम तो ये बात कह सकते हैं कि राम की सेना राम राज्य की ओर अग्रसर है। और भारत में राम राज्य का मतलब कि हिंदू मुस्लिम नहीं होता, राम राज्य का मतलब होता है दुकान की दुकानदारी चले, व्यापारी को सुरक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, बहन बेटियों को मान सम्मान मिले और किसान की खेती में उचित मूल्य मिले, उसको राम राज्य कहते हैं। दो करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, रोज व्यापारी लूटा जा रहा है, रोज 4 दिन में 8 लूटे हुए हैं। उसकी बताऊं 4 दिन में 8 लूटे, समाजवादी पार्टी की सरकार में मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, FIR दर्ज नहीं होती थी, पिछली बार की सरकार से 10% इस समय अपराध हो रहे हैं, 10% घटनाएं हो रही है ना, 10% घटनाएं हो रही है, 10% अपराध हो रहे हैं। तो अपराध तो मैं नहीं कह रहा अपराध नहीं हो रहे, सीएम के सर में 4 दिन में 8 लूटे, पहला सी हुआ करती थी मेरे मित्र, इन 8 को भी खत्म करेंगे, अगर वो गड्ढे में गिर जाए तो हम भी गिरेंगे। पहले 80 होती थी, अगर आप 8 बने उनके
अफरादत जोड़ी है। पहले 80 की अफरादत नहीं होती थी, अब उनकी 8 की अफरादत अपराधी आज भयभीत है। 2013 में जो 77 रुपए तेल हुआ था तो आप लोग क्या नाम धरने पे बैठ जाते थे, नारा दे गए थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की मोदी सरकार, 79 रुपए है किसान उपनी करनी है। डीजल पेट्रोल के दाम भारत तय नहीं करता, ये अब विश्व पटल पर तय होते हैं। ये 35 रुपए बैरल था कुछ कर रहे हैं कुछ इसके लिए कुछ इसके लिए